कॉन्फिडेंस देख के लग गया था मुझे कि कुछ ना कुछ करने वाली। आज भी इनकी सोच यही है कि बेटियां आगे ना बढ़ें और ये बेटों को हमेशा आगे रखना चाहती है, जबकि लड़कियां कितना कुछ कर सकती हैं। हमारी रश्मि जी, मधु जी को ही देख लीजिए, अपने बलबूते पर इन्होंने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसलिए बेटों को इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो घर का वारिस है। इसीलिए बेटी कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों होता है सबके घर में कि बेटी पैदा होते ही सबका मूड ऑफ हो जाता है। आपका विषय जितना गर्म था उतनी गर्म आप थी। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, अरे क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बिग मेम साहब सीजन 7 के मंच पर आवे वाली हर मेम साहब भी ना सिर्फ अपन तस्वीर बदल रहल बाड़ी, बल्कि दुनिया के अपन नया रूप से परिचय भी करा रहल बाड़ी। और वो है परिचय के नाम है, जी हाँ, एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों का करे चुटकी में छकाछा। प्रेजेंटेड बाय बिल्स फार्म गोगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। तो चली करल जाए आज के शुरुआत। जोरदार तालियों से स्वागत करी हमनी के दोनों जजेस लोग के। हमनी के पहला जज के देख के भजे लागेला खुशी के सहनाई, और उनकर नाम भा रश्मि देसाई। हमनी के दूसर जज बाड़ी खुशियों के झरना, हाय 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 हाय, और उनकर नाम बा मधु शर्मा। अब स्वागत कर लेवल जाओ बोकारो के स्टील जैसन चमचमा मेम साहब लोग के, जो कल से हमनी के साथ बनल बाड़ी और सीजन 7 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनावे खातिर एक दूसरे के चुनौती भी दे रहल बाड़ी। जोरदार तालियों से स्वागत करी कनु प्रिया वर्मा जी के, प्रीति शर्मा जी के, विजेता शेखर जी के, श्वेता कुमारी जी के। तो चली शुरू करल जाए आपन पहला राउंड, जेकर नाम है ये है जलवा। ये राउंड के शुरुआत काल ही हो चुकल रहे, जहां हमनी के कनुप्रिया वर्मा जी और प्रीति शर्मा जी के डांस के अदा देख चुकल बानी। और आज धमाका करे के बाकी के दुगो मेम साहब के अपन डांस से सबके होश उड़ावे खातिर हमनी के बीच आ रहल भाड़ी विजेता शेखर जी।
वाह क्या बात है, पूरा बोकारो देख के खुश हो रहा है और घर मोहल्ले में भी चर्चा हो रही है। वाह रश्मि जी कैसा लगा आपको इनका? कंपेयर टू जो हमारी दो मैम साहब पहले आ गई उनसे मुझे इनका डांस थोड़ा बेहतर लगा। खुलकर डांस भी कर रही थी, इंजॉय भी कर रही थी और हमें भी देखने में मजा आ रहा था। और हाँ वो थोड़ी सी बिंदास टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी, मुझे ऐसे लगा जो आपके डांस में झलक रहा था। वेरी गुड। मुझे भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, शी वॉज़ वेरी गुड। और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, इनका एक्सप्रेशंस अच्छे थे, गाना जो उन्होंने सिलेक्ट किया वो भी बहुत अच्छा था, तो मज़ा आया हम लोग को देख के। आई और अब आपन डांस से सबके चुनौती देवे आ रहल बाड़ी श्वेता कुमारी जी, जोरदार थालियां। क्या बात है, इतनी एनर्जी, इतना डांस करने के बाद भी सांस नहीं फूल रही है, वाओ। मधु जी क्या कहेंगे आप? आपका डांस अच्छा लगा पर बिट्स एंड पीसेस में, आप अपने अंदर ही डांस कर रही थी, थोड़ा खुल के डांस करेंगी तो और अच्छा लगेगा। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगी तो आप अच्छे से कर सकती हैं। थैंक यू मैम। श्वेता जी आप तो यहाँ जीतने आई हैं और जीत कर ही जाएंगी। यस मैम। पर वैसे कॉन्फिडेंस पर आपकी परफॉर्मेंस में भी लगना चाहिए, तो जो भी करे ध्यान से करिए क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते और ये मंच तो दोबारा पता नहीं कितनी तकलीफ़ों के बाद मिलेगा, तो इस मौके को गवाइए मत और जीत कर जाने का जो जज्बा है उसी रास्ते पर चलते जाइए। थैंक यू। आई और यही के साथ ये है जलवा राउंड अही जे खत्म हो चुकल बा। अभी वक्त बा एक छोटा सा ब्रेक के, तो ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के खास अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्फाम गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉ। जल्दी आइए। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से स्वागत बा रउवा देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साफ सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्फाम गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप। बेटा हो या बेटी दोनों एक ही कोख से जन्म लेवेलन लेकिन अक्सर माँ बाप या समाज के बेटा बेटी खातिर नजरिया अलग अलग होला। यही मुद्दा पर हमने के बात करल जाए अपन अगला राउंड में जेकर नाम है जागृति। ई राउंड में चारों मेम साहब बेटा बेटी के बीच फर्क के मुद्दा पर आपन आपन अनुभव साझा करी हन जेकरा खातिर फुल मार्क्स बा 10। तो ई राउंड के शुरुआत करे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी कनु प्रिया वर्मा जी के जोरदार ताली। उफ, सारे काम खत्म हो गए, जरा न्यूज देख लेती हूँ। अरे वाह, यूपीएससी की परीक्षा में लड़की ने टॉप किया, क्या बात है, लड़कियां होती ही ग्रेट हैं। ये क्या, 12वीं में फेल होने पर छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की? यही तो बात है, एक तरफ तो लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं और एक तरफ फेल हो जाने पर वो खुदकुशी करने लगती हैं। कब समझेंगे ये देश की महिलाएं कि आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या आवाज कहां से आ रही है? क्या है आंटी, क्यों पीट रहे हो आप इसको? अच्छा, पढ़ना चाहती है इसलिए पीट रहे हैं। देख लीजिए, आज भी इनकी सोच यही है कि बेटियां आगे ना बढ़ें और ये बेटों को हमेशा आगे रखना चाहती है, जबकि लड़कियां कितना कुछ कर सकती हैं। हमारी रश्मि जी, मधु जी को ही देख लीजिए, अपने बलबूते पर इन्होंने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। कल्पना चावला को देखिए, और आपकी सोच इतनी छोटी है आंटी। क्या आप चाहती है कि आपकी बेटी भी आपकी तरह एक प्रेस की ठेली लगाए और अपनी सारी जिंदगी चूल्हे में झोंक दे? कोई गलत काम तो नहीं करने जा रही ना, पढ़ना ही तो चाहती है। कब समझेंगे हमारे देश की महिलाएं, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, बेटियों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते और बेटों को हमेशा पर दे देते हैं कि वो आसमान छू ले उड़कर। प्लीज आंटी, बात समझने की कोशिश करिए, ये उम्र उसकी निकल जाएगी तो फिर वो नहीं पढ़ पाएगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। मधु जी, मुझे आपका एक्ट बहुत अच्छा लगा, मैसेज बहुत अच्छा था। थोड़ी मुझे आप कॉन्शियस लगी, डरी हुई लगी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से कुछ मिस कर गई। ठीक है, इट्स ओके, जो आप कहना चाहती है वो बात हमारे तक पहुंच गई, इट्स वेरी नाइस। सिर्फ थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, वो आप ले आइए। जैसे मधु जी ने कहा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लग रहा था। एक्ट आपका बहुत अच्छा था, ये विषय बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। कई बार किसी के पास पैसे भी नहीं होते हैं तो ये सारी नॉलेज अगर आप देती कि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म, बुक्स, खाने भी देते हैं, राशन भी देते हैं, अगर ऐसी चीज़ें बताती तो शायद ये एक्ट मुझे और भी अच्छा लगता। बेटा बेटी के बीच फर्क के सामाजिक कुरीति पर अब अपन विचार रखे के बारी बा प्रीति शर्मा जी के। आज मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की बारात जा रही है, भाई मेरा भाभी लाने वाला है, सब कितनी खुशियाँ, मजे, मस्ती, नाच गाना कर रहे हैं, पर मैं ये नहीं कर सकती। सब सज रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, मैं मेहंदी नहीं लगा रही क्योंकि मैं विधवा हूँ ना। 3 महीने पहले मेरी भी जिंदगी में रंग भरे हुए थे, पर एक ऐसी आंधी आई जो सारी खुशियाँ, सारे रंग लेकर चली गई। मेरे पति जो सरहद पर लड़ने गए वो शहीद हो गए और मैं अंधकार में चली गई। समाज वाले कुनजर से देखने लग गए, मेरा परिष्कार करने लग गए। नहीं भाई, तुम मुझे मत लेकर जाओ वहाँ पे भाई, मैं नहीं चाहती तुम्हारी इतनी अच्छी शादी मेरे कारण बर्बाद हो जाए। प्लीज़ भाई, मुझे मत लेकर के जाओ। क्या, पापा मम्मी ने मुझे बोला है जाने के लिए? भाई मैं बहुत खुश हूँ, भाई मैं बहुत खुश हूँ,
मुझे अच्छा लगा कि पापा मम्मी मेरे को बुला रहे हैं, मुझे शामिल करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे पिता ही सबके घर में हो, सभी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए। मधु जी क्या कहेंगी? आपका जो मुद्दा था बहुत अच्छा था, लेकिन सिंस आप थोड़ी घबरा गई थी तो उसकी वजह से सब आपका मिक्सअप हो गया। आपके एक्ट में काफ़ी चीज़ें हो सकती थी, आप एक विधवा का दुख जता रही थी, उसका पेन दिखाना ज़रूरी था। पर चलो, आप एक्टर नहीं हो तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकती कि आप मुझे वो चीज़ दे सको, लेकिन आपका सब्जेक्ट बहुत प्यारा था, अच्छा है। बट अभी प्लीज़ आप चारों से मैं कहती हूँ, ये कॉम्पिटिशन बहुत मुश्किल से मिलता है, ये मंच बहुत मुश्किल से मिलता है, सो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस फिर बटोरिए और हमें आपका वो कॉन्फिडेंस यहाँ दिखाइए। मुझे जो मैसेज मिलना चाहिए वो मुझे मिल गया, इट वॉज नाइस, बट आपसे उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, तो डरिएगा मत बस। आज का ज़माना डरे के नहीं खे, डराए के बाद, ठीक? ठीक है सर। आई बेटा बेटी के बीच भेदभाव पर अब आपन अनुभव बतावे के बारी बा विजेता शेखर जी के। माँ, 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 माँ कहाँ हूँ? माँ, पता है मैंने 12th में पूरे 95 मार्क्स से पास हुई हूँ। वाव, I'm so so excited माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। क्या हुआ, तुम खुश नहीं देख रहे? शादी अभी? माँ पागल तो नहीं हो गई हो? भैया अगर 50% से भी पास करते तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती। मेरी बेटी ने पास किया, मेरी बेटी ने पास किया, और मेरी शादी की बात करने लगी हो? माँ मुझे पढ़ना है, आप समझती क्यों नहीं हो? पैसे नहीं है माँ, मुझे सरकार स्कॉलरशिप दे रही है पैसे के लिए ना, तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, बेटे को पढ़ाई के लिए पैसे होते हैं लेकिन बेटी के लिए नहीं, शादी के लिए पैसे होंगे लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। अरे यार माँ कहाँ हो तुम? बेटी कहाँ से कहाँ चल गई, एवरेस्ट की सबसे ऊंची पर बेटी गई है। और इंद्रजस को देख लो, इनकी माँ ने तुम्हारी तरह सोचा होता तो ये आज ऐसे बैठे नहीं होती यहाँ पे। माँ समझो प्लीज, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। देखो माँ, तुम ऐसा करोगे तो मैं रो दूंगी, प्लीज माँ ऐसे नहीं करो। माँ मैं तुम्हें मनाना चाहती हूँ, मान जाओ प्लीज माँ, मान जाओ प्लीज। माँ तुम मान गए? वो माँ, I love you, I love you, I'm so अच्छी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। बहुत बढ़िया। रश्मि जी, आपका एंड बहुत अच्छा लगा, माँ मेरी माँ, मैं भी अपनी माँ की वजह से यहाँ पे हूँ, बिकॉज मुझ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरी माँ में थी। जब किसी का साथ चाहिए होता है तो पूरी दुनिया यहाँ से वहाँ हिल जाती है, कोई आए ना आए लेकिन माँ हमेशा रहती है, आई अग्री। दूसरी बात, आपका एक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने किया भी बहुत बेहतर तरीके से, मुझे देखना भी अच्छा लग रहा था आपको, और वो स्पेशली जो आपने वो इतना प्यार से माँ को इतनी प्यार दी, ओ माँ माँ, दैट वॉज वेरी क्यूट, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक्ट, वेरी नाइस। मैसेज आपका बहुत अच्छा था, जो आप हमें बताना चाहती थी आपने प्रॉपर बताया है, वेरी नाइस। आजकल बेटा बेटी के खातिर अलग अलग नजरिया के दोष होला। ई बतावे अब हमनी के बीच आ रहल बाड़ी श्वेता कुमारी जी। ओह माय गॉड, मधु मैम, रश्मि मैम, नमस्ते नमस्ते, क्या खूब हैं आप लोग। मैं भी अपनी माँ को यही समझा के आई थी, माँ देखो बेटियाँ कहाँ कहाँ जा रही है, कितना दूर दूर तक जा रही है, और तुम है कि बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देती है, बेटों को प्यार देती है, बेटियों को नहीं देती है, ये अच्छी बात नहीं है ना माँ? इसलिए बेटों को इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो घर का वारिस है, इसीलिए बेटी कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों होता है सबके घर में कि बेटी पैदा होती ही सबका मूड ऑफ हो जाता है? बेटा पैदा होने के बाद खुश होता है इसलिए कि वो घर का वारिस है, वो परिवार को आगे बढ़ा सकता है, समाज का यही सोच है। बेटी को पैदा करते वक्त इसीलिए ना माँ रुष्ट हो जाती है कि उसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, बड़ी हो जाएगी उसका शादी करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो तो दूसरे घर चली जाएगी ना, मेरे घर तो नहीं रहेगी, इसलिए माँ बाप पैदा बेटी को नहीं करना चाहते हैं। मधु जी, आपकी 18 साल में शादी हुई है ना? यस मैम। बहुत जल्दी शादी हो गई आपकी, वो गुस्सा मुझे दिख रहा था इस परफॉर्मेंस में कि मेरी शादी करा दी जल्दी फटाफट, थोड़ा सा अगर और शांति से करती तो और अच्छा लगता, पर जितना भी था बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। इनकी एनर्जी को देख के लगता है कि इन्होंने सामने वाले से जबरदस्ती शादी कर ली। आपका विषय जितना गर्म था उतनी गर्म आप थी। ऐसा लग रहा था हम दोनों को डांट क्यों रहे हैं।
आपका जो अंदाज था, आप अपने तरीके से बोलने की कोशिश की और आखिरी में सबसे आप थी, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल गया है। बाकी उन्हें किया जो आपने देखा वो समझ कर करना भी बहुत मुश्किल होता है। एंड ऑल द बेस्ट, आगे प्लीज़ कम्प्लीट करिएगा आप अपनी स्टडीज। थैंक यू मैम। यही के साथ जागृति राउंड अहिजे खत्म हो चुकल बा। वक्त बा एगो छोटा सा ब्रेक के। हाँ, तो ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के तनी हट के अंदाज। तो देखत रही, कहीं मत जाएं, जल्दी है लौटी। एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम कुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज हेलमन ड्रॉप। स्वागत बार हुआ, देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप। अब शुरू करतानी अपन ऊ राउंड जहां कान पर लग जाला ताला और जुबान खामोश हो जाला, सिर्फ इशारा इशारा में ही कुछ कहल या सुनल जाला, और ऊ राउंड के नाम है स्मार्ट मेम साहब। स्मार्ट मेम साहब स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिशवॉश बार बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। दो मेम साहब के मिलके ये राउंड खेले के बाद और हमरा पास है बाउल जे में रखल बा बहुत सारा पर्चा जेकरा पर फिल्म के नाम गीत के बोल या कुछ खास शब्द लिखल बा। मेम साहब के पर्चा निकाले के बा और ओकरा पर लिखल शब्द के आपन एक्टिंग या इशारा से दूसरा मेम साहब के समझाए के बा। जेकरा खातिर मिली सिर्फ 2 मिनट, तो सबसे कम समय में जॉन जोड़ी बाजी मारी उनका मिली 10-10 अंक पटोरे के मौका। तो सबसे पहले चलल जाए हमनी के जज लोग के पास, काहे कि उन्हीं को तो चुनना है। तो रश्मि जी और मधु जी, आप किसे चुनना चाहेंगी? हम चाहेंगे कनुप्रिया जी और श्वेता जी आके खेलें। कनुप्रिया जी और श्वेता जी, आप लोग प्लीज आइए। आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन एक्ट करेगा और कौन समझेगा। मैं एक्ट करूंगी। तो आप यहाँ आ जाइए, कोई भी एक पर्चा निकालिए। जी मैं पहले देख लेता हूँ। बहुत मजा आई, वाह, समझ गई। आई अपने स्थान पे आ गई। तो आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। मेरी डोली मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे, हम तुम, मेरी तुम्हारी, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। तुम्हारे सुहाग, बहुत हिट फिल्म है, आखिरी 10 सेकंड। मैं तुम सुहाग, मुझसे शादी करोगे? तू हम दिल दे चुके सनम, कभी खुशी कभी गम। टाइम अप। खैर मैं आपको बता दूं, फिल्म का नाम है मेरे यार की मेरे यार की शादी। जजेस आप क्या कहना चाहेंगे? मधु जी, आप पहले तो जब ये खेल रही थी तो बताती कि नाम कितने शब्द का है, तो वो गेस करने में उनको इजी होता। आपने पहला बोला मैं, उन्होंने वो किया, तो आप उनको उस तरीके से बताती तो उनके लिए इजी होता। आप तो गेस भी नहीं कर रही थी ज्यादा, मांग से रिलेटेड कितनी चीज होती, शादी होती है ये, तो वो सब पट 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 बोलती, तो वो भी आपको बोलती हाँ ये सही है। दोनों की तरफ से मुझे इस खेल के अंदर वो जो देखना चाहती थी वो मिला नहीं। रश्मि जी क्या कहेंगी आप? मैं मधु जी से वाकिफ हूँ, उन्होंने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा और सही कहा। आई
और अब बची हमारी दोनों मेम साहब, तो मैं निवेदन करूंगा आप दोनों से कि कृपया यहां आइए। तो आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि एक्टिंग कौन करेगा और समझेगा कौन। मैं एक्टिंग अच्छा करूंगी, ये समझ अच्छा लेती है। तो आप लोग यहाँ यहाँ आ जाइए, सिलेक्ट करी बताएं। ये एक बहुत प्यारी हिंदी फिल्म है। आसन ग्रहण करिए, बस बैठिएगा मत आसन पे। तो आप दोनों का समय शुरू होता है अब, स्टार्ट। घर पे खेल चुकी हैं ये, बहुत समझदार है, खूबसूरत। रश्मि जी क्या कहेंगे आप? खूबसूरती से खेला, खूबसूरती से गेस किया, क्या बात है, इतनी खूबसूरती के साथ आपने ये दाव भी खेल लिया, वेरी गुड। उनका कॉन्फिडेंस देख के लग गया था मुझे कि ये कुछ ना कुछ करने वाली, घर पे खेलती है अपने पति के साथ 100%, है ना? मैडम मेरे पति बड़ी शांत है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। जब पत्नी इतनी इंटेलिजेंट होगी तो पति तो शांत ही होगा ना। आपको देखिए कोई शांत कैसे रह सकता है, आप तो खुद इतनी चुलबुली हैं। थैंक यू मैम। आप दोनों को बधाई, आइए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी चारों मेम साहब बहुत अच्छा खेली हैं, और ये जोड़ी जो अभी आप लोगों ने देखी, इन्होंने तो भाई कमाल ही कर दिया, माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। तो इसी के साथ हमारा ये राउंड समाप्त होता है। आज के शुरुआत हमनी के ये है जलवा राउंड से भइल रहे, जेकरा में कल हमनी के कनु प्रिया जी और प्रीति शर्मा जी के शानदार डांस देखल रहनी। आज विजेता शेखर जी और श्वेता कुमारी जी अपन डांस के जबरदस्त अंदाज दिखैली। ताई नजर डाल लेवल जाए स्कोर्स पर। सिक्स मार्क्स के साथ श्वेता जी बाड़ी चौथा नंबर पर, 69 मार्क्स के साथ प्रीति जी बाड़ी तीसरा नंबर पर, 77 मार्क्स के साथ कनुप्रिया जी बाड़ी दूसरा नंबर पर, और सबसे ज्यादा 93 मार्क्स के साथ विजेता शेखर जी बाड़ी एक नंबर पर। जोरदार तालियां। सपना अगर बड़ होके त ओकर परिणाम भी बड़ा होला, और कोशिश से ही मंजिल मिलेला। जैसे आपन कोशिश से बोकारो के मेम साहब आगे बढ़ रहल बाड़ी। फिलहाल वक्त हो गए बा रउआ सबसे विदा लेवे। अगला एपिसोड में बोकारो के चारों मेम साहब के नया जोश और नया अंदाज और एक से बढ़ के एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हमनी के फिर मुलाकात होगी। अभी खातिर आपनी विनय आनंद के दी इजाजत, और हमेशा मुस्कुराते हुए ऐसे ही देखत रही एक्सपोर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपोर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, प्रेजेंटेड बाय बिस्फाम गुगली बिस्कुट, थोड़े से मत ना भरे बांटने को जी ना करे, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।